तो गोलगप्पा खाते ही हम निकल पड़े तलवान लस्सी की ओर, जहाँ पे हमें दिखती है अपनी मलाइयों। चलो अमृता सेवन करते हैं और ये मलाइयों का आनंद जरूर से ले लेना, खास कर ठंडों में। और ये देखिए, ये अपनी जो है ना, हम दूध लगवा रहे हैं। ये देखिए भाई, पूरी कूलर जो है वो भर करके दूध मिली है, तो चलिए इसका भी आनंद लेते हैं। तो भैया के प्यारे प्यारे डायलॉग सुन करके हमने लगवा ली थी अपनी गाढ़ी वाली लस्सी, जिसे पीने के बाद भाई दिल जो है ना वो पहलवान जैसा जरूर फील कर रहा है। लेकिन खुशबुओं के कारण हमारा भूख खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए हमने लगवा ली अपने लिए साउथ इंडियन डिश। और एक बार फिर से बनारस की गलियों का सामना करते हुए हमने देखा इस छोटे से बंदर जो हमें देखते ही भाग रहा था, और पहुंच गए हम 80 घाट में। यहाँ पे एक छोटे से बच्चे से हमने अपनी दिया ली और साथ ही साथ हमने एंजॉय किया यहाँ की गंगा आरती को। देखते ही देखते आरती तो खत्म हो गई, लेकिन भूख फिर से लगने लगी थी, तो हम आ गए यहाँ पे अपना लिट्टी चोखा खाने के लिए, जहाँ की लिट्टी चोखा बहुत ही नॉर्मल थी, एवरेज सी थी। लेकिन संतोषजनक बात यह थी कि दीना चाट वाले की चाट वाकई में सबसे लाजवाब थी। तो चलिए मिलते हैं बनारस पार्ट 3 में।